हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटीडिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जो है हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट टू। पार्ट वन जो है मैंने आपको अपलोड कर दिया है और आप लोगों ने देखा भी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि हिस्ट्री का सर हम वेट कर रहे थे। तो चलिए, बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को पसंद आया। हम लोग आज पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अगले चरण में जिन कंपनियों के बारे में कल हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले आप वो पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, फिर हम लोग इस पार्ट की ओर आएंगे। चलिए, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है और हमने कल क्या पढ़ा था जो आज हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले याद ये रखना है कि यूरोपियन क्षेत्र में जब व्यापारिक होर मचती है तो भारत के क्षेत्र में कई कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से अफ्रीका को क्रॉस करते हुए समुद्री मार्ग से आते हैं और इन्हें ही नाम दिया गया एक तरह से व्यापारिक होर। और इस क्रम में यूरोप के कई कंपनियों ने भारतीय क्षेत्र की ओर व्यापारिक उद्देश्यों से ललाहित होकर के यहाँ पर आए। शुरू में भारतीय राजाओं ने भी उनको सपोर्ट किया। इसका मूल कारण ये था कि ये भारत में आकर भारतीय वस्तु खरीद थे और ले जाकर के यूरोप में बेचते थे। इससे कई गुना मुनाफा होता था, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था कि वास्को डी गामा ने ऐसा किया था तो उसे 60 गुना मुनाफा का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह से कंपनियों को यानी व्यापारियों को भी लाभ होता था और भारत में जो वस्तुएं थी वो तेजी से बिकते थे और बिकने के कारण जो राजस्व वसूली हमारे राजाओं को होती थी वो बढ़ गई थी। तो निश्चित रूप से भारत के राजाओं ने उन्हें सपोर्ट किया और यह व्यापारिक कंपनियां आगे बढ़ने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन व्यापारी को ये एहसास हो रहा था कि हम यहाँ ज़्यादा मूल्य चुका कर यहाँ से वस्तु ले जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर वह धीरे धीरे यहाँ पर अपना सत्ता स्थापित करने लगे, ताकि यहाँ से हम कम मूल्य पर वस्तु ले जाएं और यूरोप में बेचें ताकि अधिक से अधिक लाभ हो सके। आपको पता ही होगा कि व्यापार का मूल उद्देश्य ही होता है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। तो ऐसे में ये इन व्यापारी कंपनियों ने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू किया और धीरे धीरे करके सारी सत्ता को अपने कब्जे में लेने का प्रयत्न किया। इस क्रम में जितने यूरोपियन कंपनी थी उनके मध्य संघर्ष भी देखने को मिलता है। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि डच और अंग्रेजों के मध्य एक संघर्ष होता है, वेदरा का युद्ध, जहाँ पर डचों का सफाया हो जाता है। फिर उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। तो वे कंपनियां जो यूरोप से भारत आई थी व्यापार करने, उनमें हम लोगों ने स्पेशली पुर्तगाल और इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स जहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं उन्हें पढ़ लिया था। दूसरा डच, उसके संबंध में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग मुख्य दो के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजी कंपनी और फ्रांस की कंपनी। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन रहे, इन दोनों से जुड़े हुए क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा और उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव देखते देखते ही याद हो जाएंगे। आते हैं सबसे पहले अंग्रेजी कंपनी की ओर। अंग्रेजी कंपनी की ओर सबसे एक प्रमुख पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि 31 दिसंबर, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 1600 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा, खास करके अंग्रेज की महारानी थी उस समय एलिजाबेथ प्रथम, नाम याद रखेंगे आप लोग, एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जो है एक कंपनी की स्थापना की गई जिसका मूल उद्देश्य था पूर्वी भाग में जाकर व्यापार करना और पूर्वी भाग अर्थात भारतीय क्षेत्र में व्यापार करना। हालांकि इस समय इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं हुआ करता था, कंपनी का नाम 1833 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। हालाँकि इससे पहले भी ये व्यापार करने भारत में आते थे तो पूर्वी भारत या पूर्वी क्षेत्र के लिए ही यह व्यापारी कंपनी बनाई गई थी। इस व्यापारी कंपनी को भारत के क्षेत्र में आकर व्यापार करने का आदेश जारी 1600 ईस्वी में हुआ और जारी किसने किया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ये दोनों ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। अब जिस समय यहाँ कंपनी की स्थापना हो रही है भारत में क्या स्थिति है, तो भारत में मुगल वंश का शासन चल रहा था और सत्ता पर काबिज थे अकबर महान, जिसे अकबर महान के रूप में आपने पढ़ा भी होगा। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि जिस समय कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत के शासक कौन थे, तो भारत के शासक थे अर्थात मुगल वंश के शासक थे अकबर।
लेकिन जब ये कंपनी आना शुरू करती है और भारत में व्यापार जमाना शुरू करती है तो इसका आकार बदल जाता है। तो प्रारंभ में जब ये कंपनी स्थापित हुई और उसे भारत में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का फरमान दिया गया, यानी वह अवधि जिस अवधि तक वो जाकर के व्यापार कर सकते थे। फिर धीरे धीरे कंपनी की अवधि को बढ़ाया जाता रहा और वे व्यापार काल बढ़ता रहा। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि कंपनी की स्थापना के समय भारत में शासक कौन थे। फिर क्या होता है कि 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जो शासक बनते हैं ब्रिटेन में उनका नाम था जेम्स प्रथम। अब जेम्स प्रथम इस कंपनी को आगे बढ़ाने का टारगेट लेते हैं और इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उनका पहला प्रयास क्या रहता है, तो वो अपने एक दूत को भेजते हैं भारत और उस दूत का नाम आपने सुना होगा कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 में मुगल वंश के दरबार में पहुंचता है और चूंकि इन्हें अभी तक पता था कि अकबर ही वहां के शासक है तो वो अकबर के नाम से ही ये अपना फरमान लेकर के पहुंचते हैं दरबार में। तो क्वेश्चन एक आता है कि कैप्टन हॉकिंस किसका फरमान लेकर के पहुंचे थे, तो जेम्स प्रथम की ओर से आए थे और अकबर के नाम से संदेशा लेके आए थे। लेकिन चूंकि 1605 में और अकबर की मृत्यु हो जाने के कारण यहाँ के शासक चेंज हो गए थे जिसका नाम था जहांगीर। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुँचे, तो जहांगीर के। चले थे किसके दरबार में आने के लिए, अकबर के। फरमान किसके नाम से लेके आए थे, अकबर के। किसको भेजा गया था, किसने भेजा था, तो जेम्स प्रथम जो उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे। तो इस तरह से ये एक पूरी सिलसिला चल पड़ी थी। और फिर कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि 1608 वह ईस्वी जब फरमान के तहत सूरत में फैक्ट्री बनाने का जो एक जहांगीर के द्वारा आदेश जो है वो जारी कर दिया जाता है और 1608 में पहली फैक्ट्री सूरत में बनाने का कार्य शुरू हो जाता है। लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही 1611 में पहली फैक्ट्री तैयार हो जाती है जो है मसूलीपट्टनम की, ये मैंने कल बताया है आपको। फिर 1613 में यही सूरत की फैक्ट्री जा करके बन करके तैयार होती है। तो हालांकि पहला सूरत फैक्ट्री जो है वो पहला यही था और तैयार होने वाला पहला फैक्ट्री था मसूलीपट्टनम। इस तरह से ये कंपनी का भारत में आकर के स्थिर होने का चरण रहा। और दो आपको याद रखने हैं ये दूत के संबंध में जो मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट है शुरुआती दौर के। एक आते हैं कैप्टन हॉकिंस 1608 में, यह भी आते हैं जहांगीर के दरबार में, और एक आपको याद रखना है सर टॉमस रो। ये सर टॉमस रो आते हैं 1615 ईस्वी में, ये भी आते हैं जहांगीर के दरबार में। ये दोनों कंपनी के संबंध में कुछ विशेष रियायत लेने आते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये दूत क्या होते हैं, तो दूत वास्तव में होते थे कि एक देश से दूसरे देश में संबंधों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भेजे जाते थे और वो जाकर के वहाँ पर जो है अपने देश की स्थितियों के अनुसार और कंपनी की स्थितियों के अनुसार बातें रखते थे और वहाँ से सुविधाएं प्राप्त करते थे। आज भी इस तरह की व्यवस्था चलती है और आप सुनते ही होंगे कि राजदूत वगैरह एक देश से दूसरे देश में भेजे जाती हैं। तो लगभग सिमिलर पैटर्न उस समय था। तो ये दूत वहाँ से ब्रिटेन से आते हैं, जहांगीर के दरबार में जाते हैं कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो। दोनों का डेट याद रखेंगे, कैप्टन हॉकिंस जाते हैं 1608 में और टॉमस रो जाते हैं 1615 में, और इन दोनों के द्वारा कई रियायतें वहां प्राप्त की जाती है और इस प्रकार से ब्रिटेन की स्थिति भारत में मजबूत होनी शुरू हो जाती है। अब आते हैं कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। शुरुआती दौर में ब्रिटेन को अस्थायित्व होने के लिए कई तरह से समस्याएं भी रहीं कि उन्हें अपने यूरोपीय कंपनियों के सामने एक तरह से प्रतियोगिता करनी पड़ रही थी। उसके लिए एक बहुत ही बेहतर क्षण तब आता है जब 1632 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों 1632, याद रखना बहुत आसान है, 16 × 2 = 32। तो 1632 ईस्वी में वे गोलकुंडा, जानते होंगे साउथ इंडिया में गोलकुंडा, गोलकुंडा के शासक से एक प्रकार से सुनहरा
फरमान प्राप्त करते हैं। ये सुनहरा फरमान क्या था, ये क्वेश्चन आता है। यह सुनहरा फरमान वो था कि जब गोलकुंडा में जाकर के ब्रिटेन को गोलकुंडा में फ्री व्यापार करने का एक आदेश प्राप्त हो जाता है, यह उनके लिए पहला कदम था जब उन्हें भारत में फ्री व्यापार मिलता है। हालांकि आपको पता होगा कि प्रारंभ में वे टैक्स चुकाते थे, वस्तु खरीदते थे, लेके जाके बेचते थे, लेकिन अगर व्यापार के क्रम में पहला उनको फ्री ट्रेड का अवसर अगर भारत में कहीं मिला था, हालांकि इसके बदले में उन्होंने कुछ मूल्य भी चुकाए थे गोलकुंडा को, तो ये कहा जाता है सुनहरा फरमान गोलकुंडा द्वारा दिया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी उपलब्धि इस दृष्टि से ये फरमान संबंध में आता है 1717 में। ये दो आपको याद रखना है, एक 1632 वाला और एक 1717 वाला। 1717 में उस समय मुगल वंश के सबसे कमजोर शासकों का दौर शुरू हो चुका था, जिसे उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। इस समय वहां के शासक थे फरुख सियर के दरबार में पहुंचते हैं ब्रिटेन के एक दूत जिसका नाम था जॉन शरमन। याद रखेंगे दोस्तों, वहां हमने दो देखे थे, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो। एक यहां से पूछेगा जो फरुख सियर के दरबार में जाते हैं और फरुख सियर से विशेष रियायत लेना चाहते हैं व्यापार के संबंध में, और होता भी ये है कि वे अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं और एक फरमान जारी कर दिया जाता है फरुख सियर द्वारा। क्या था उस फरमान के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट ये था कि 3000 रुपये वार्षिक कर लेकर के मुगलों ने बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया। याद रखेंगे, 3000 रुपये लेकर के मुगलों ने बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया और 10000 वार्षिक कर लेकर के सूरत के क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया। और साथ ही साथ जो बंबई क्षेत्र में जो सिक्के वगैरह अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे थे, उन सिक्कों को पूरे भारत में चलाने की परमिशन दे दी गई। यह एक विशेष प्रकार का रियायत था जो अभी तक किसी भी यूरोपियन कंपनी को भारत में नहीं प्राप्त हुआ था। मुगलों द्वारा दिया गया यह विशेष रियायत ब्रिटिश इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, और इसे आप बहुत ही हद तक जानिएगा कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो अधिकार पत्र होता है। तो यूरोपीय कंपनियों में ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह एक मैग्ना कार्टा के रूप में साबित हुआ। और क्वेश्चन भी आता है यूरोपीय कंपनी का कौन सा आदेश मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो वह है फरुख सियर का आदेश। कब दिया था, 1717 में, और इसके तहत कौन कौन से मुख्य पॉइंट थे, तो आप याद रख सकते हैं बंबई में के जो सिक्के थे वे पूरे भारत में चल सकते थे। तो इस तरह से ये प्रमुख आदेश थे और इसी आदेश को कहा जाता है ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो आपको दो पॉइंट याद रखने हैं, एक सुनहरा फरमान कब मिला और एक ब्रिटिश कंपनियों को मैग्ना कार्टा कब मिला। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहां से आपको क्वेश्चन आते हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन की स्थिति सुधारने में एक घटना का बड़ा ही योगदान रहा। एक तरफ ब्रिटिश कंपनी भारत में आगे बढ़ रही थी, दूसरी तरफ पुर्तगाली कंपनी आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान यूरोप के संबंधों ने भारत में भी तय कर दिया कि आगे चल कर के क्या होने वाला है। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हो जाता है, और नतीजा ये होता है कि इन दोनों के संबंध वहाँ मजबूत होते हैं और उसका असर भारत में देखने को मिल जाता है। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, याद रखेंगे दोस्तों पुर्तगाल की राजकुमारी का नाम था कैथरीन, ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, दोनों का विवाह होता है 1661 ईस्वी में। परिणाम स्वरूप जो बंबई क्षेत्र भारत का पुर्तगाल के नियंत्रण क्षेत्र में था, उसे दहेज स्वरूप ब्रिटेन के राजा को दे दिया जाता है। आज भले ही यह हम लोगों को एक अटपटा लगता हो कि भारतीय क्षेत्र को यूरोपीय दहेज में भी दिया करते थे, लेकिन ऐसी घटना है और आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो
तो चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का विवाह हुआ, परिणाम स्वरूप जो बंबई क्षेत्र था भारत का उसे दहेज स्वरूप एक ब्रिटिश को सौंप दिया गया, अर्थात इंग्लैंड को दे दिया गया। अब क्या होता है, इंग्लैंड इसे लेकर के कुछ वार्षिक करों के माध्यम से इसे कंपनी को सौंप देते हैं ताकि कंपनी यहां से व्यापार को आगे बढ़ा सके और अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। इसके संबंध में आपको याद ये रखना है कि 1668 इसके कुछ वर्षों बाद ही उन्होंने इसे व्यापार के लिए दे दिया था। 1668 में 10 पौंड वार्षिक किराए पर कंपनी को बंबई दे दिया गया। तो याद रखना है 1661 में विवाह हुआ, बंबई दहेज स्वरूप ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ, ब्रिटेन के राजा ने उसे 7 वर्षों बाद 1668 ईस्वी में 10 पौंड वार्षिक किराए पर कंपनी को बंबई सौंप दिया और उसे वहां व्यापार करने की खुली छूट दे दी। और इस प्रकार से भारत में धीरे धीरे करके ब्रिटेन की स्थिति मजबूत होती जा रही थी। लेकिन इस दौरान जहां हमने देखा कि अकबर के टाइम में क्या हो रहा था, जहांगीर के समय क्या स्थिति थी, फर्रुख सियर के समय क्या स्थिति थी, एक और आते हैं मुगल शासक जिसके समय संबंध खटास में पड़ जाते हैं। वह कोई और शासक नहीं था, आपने नाम सुना होगा, औरंगजेब का। औरंगजेब के समय क्या होता है दोस्तों, औरंगजेब के समय ब्रिटिश हुगली नदी क्षेत्र में अपना प्रभाव बना रहे थे, साथ ही साथ जो समुद्री तट पश्चिमी भारत का था, बंबई आदि क्षेत्रों में वहां मुगलों के जहाज पर नियंत्रण स्थापित करने लगे थे। इस बात से औरंगजेब काफ़ी दुखी थे और उन्होंने अंग्रेजों से साथ युद्ध करने का निर्णय लिया और अंग्रेजों को खदेड़ करके बाहर कर दिया था हुगली क्षेत्र से। लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं चला और 1688 में औरंगजेब का सामना सर जॉन चाइल्ड, याद रखेंगे दोस्तों यहां से क्वेश्चन आएगा, सर जॉन चाइल्ड के साथ एक संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में सर जॉन चाइल्ड पराजित हो जाते हैं लेकिन दोनों के बीच एक संधि होती है और संधि के तहत पुनः अंग्रेजों ने यहाँ भारत में रुकने का जो है उनका फरमान जो है वो बचा रह जाता है और कुछ बदले में वे जो है जुर्माना भर देते हैं। तो इस जुर्माना भरने के बाद ही इस सर जॉन चाइल्ड को रुकने का आदेश मिल जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, वे ब्रिटिश शासक जिसका सामना अंग्रेज से हुआ था और उसे भागने पर विपश कर दिया गया था, तो वो थे सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक इतिहास था कि कैसे आकर के ब्रिटिश कंपनी भारत में स्टेबल होने लगती है। अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट जो ब्रिटिश कंपनी की स्थापना से ही जुड़ा हुआ है। अगर ये देखें दक्षिण भारत का मैप है तो इस दक्षिण भारत के मैप के क्षेत्र में ये मद्रास क्षेत्र था जहाँ पर ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित हो चुका था, ये बंगाल के कलकत्ता क्षेत्र था जहाँ पर ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित था, ये बंबई क्षेत्र था जो दहेज में उन्हें प्राप्त हुआ था और ये स्थापना का केंद्र बन चुका था। तो ये ऐसे प्रमुख क्षेत्र थे जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने अपने प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित किया। और आप पढ़े होंगे कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी थे ब्रिटेन के, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। इन कुछ जगहों पर उन्होंने कुछ किले बनवाए जिनके वे नाम देते हैं और कई बार उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसमें याद आपको ये रखना है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी प्रथम प्रेसिडेंसी था और इसके जो हेड बनाए गए थे वह आयर को बनाया गया था कलकत्ता प्रेसिडेंसी का हेड। चलिए याद करते हैं इस चार्ट को जिसमें है कुछ फोर्ट जो किले बनाए गए थे वहाँ पे और वो किले कहाँ बनाए गए थे। इससे क्वेश्चन पूछता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, याद रखेंगे दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज जो किला था वो बनाया गया था मद्रास में, फोर्ट विलियम बनाया गया था कलकत्ता में
और एक है और फोर्ट लुई जो बनाया गया था पांडिचेरी में, जिसे अभी पुदुचेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो तीन ही याद रखना है किले, स्पेशली जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, किलेबंदी की गई थी अपने क्षेत्र की, उसी को नाम दिया गया है। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, फोर्ट विलियम कलकत्ता में, और फोर्ट लुई जो है वो पांडिचेरी में। तो इस प्रकार भारत में बढ़ते क्रम में उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में और फ्रांसीसियों से उनके संघर्ष के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा और जो ब्रिटेन से जो जुड़े हुए, कंपनी से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होगी। दोस्तों, मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो मैं इसलिए दिखाता हूँ कि ताकि आप समझ सकें कैसे पढ़ना है, कैसे इसका बेसिक रहा है। लेकिन आप अगर मैंने जो बुक्स बताए हैं उसे आप ज़रूर पढ़ें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि यदि आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो केवल वीडियो मात्र देखने से नहीं होगा, आपको भी मेहनत करनी होगी और दोनों आदमी मिल करके सफल होंगे। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो ये हमने आज ब्रिटेन के संबंध में पढ़ा। अगला जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे फ्रांस का, और फ्रांस और अंग्रेजों का जो संघर्ष होता है जिसे हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, तो वो संघर्ष में क्या स्थितियां बनी, क्या कारण बने, उसे एक चार्ट वाइज ड्रॉ करके पढ़ेंगे। बड़ा मजा आएगा और उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जिस तरह से समझ में आई है वो भी समझ में आएंगी। और फिर हमारा समाप्त होगा ये पहला चैप्टर, फिर हम दूसरे चैप्टर की ओर आएंगे। तो धन्यवाद एडुटेरिया फैमिली से जुड़ने के लिए, वीडियो को पसंद करने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। जल्द ही हम बिहार सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, जहां पर हम लोग बिहार से जुड़े हुए जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उनको कैसे पढ़ेंगे उसके संबंध में भी जस्ट ही कुछ ही दिनों में मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए। बस एक मुहिम जो आपसे जुड़ी हुई है, एक पौधा एडुटेरिया के नाम जरूर लगाएं, फेसबुक पेज पे आएं और उसे पोस्ट करें। धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए।